हेलो स्टूडेंट, आई एम नेहा मिगलानी। टुडे आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ व्हाई द सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द अपवर्ड स्लोपिंग ऑफ द सप्लाई कर्व एंड ऑल्सो डू द एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट अलॉन्ग विद द सप्लाई कर्व। Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in Divakar Education Hub and you can get most reliable data for your NET preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from Divakar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. Before going through this concept, we will discuss also what is supply. Supply means refers to the quantity which are offered for the sale by the producer or the supplier and willing to produce and also offer for the sale at a particular price level at a given market and at a particular time period. Supply एक ऐसी quantity होती है जो एक producer willing, desired, इच्छा रखता है एक market में उतारने के लिए उस price level पे at a particular time period में भी और at a particular market में. So supply also contain the three aspects or three factors are considered under the supply. First one is the desired quantity. Supply should also have a desired quantity. मतलब क्या है कि supply एक डिज़ायरनेस के साथ ही आती है. जैसे एक डिमांड होती है उसको भी पहले ही हम डिज़ायर रखते हैं एक प्रोडक्ट के लिए, तो सप्लाई में भी एक डिज़ायर होती है उस प्रोडक्ट को सेल करने की. सेकंड जो है, सप्लाई को ऑलवेज हम मेज़र करते हैं प्राइसेस के साथ. सप्लाई जो है वो हमेशा ही मेज़र की जाएगी उसके प्राइसेस के साथ, उसका रिलेशन एक्सप्लेन किया जाएगा उसकी प्राइसेस के साथ. थर्ड द टाइम, द टाइम एट विच द सप्लाई इज रिप्रेजेंट. द टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, बिकॉज अगर उस टाइम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम फ्यूचर के टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर थिंग. ठीक है, टाइम मतलब क्या है कि हम उस टाइम लेवल पे, उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे उस पर्टिकुलर सप्लाई को कैसे डिटरमाइन करेंगे, दैट इज सप्लाई. वी हैव ऑल्सो डिस्कस द लॉ ऑफ डिमांड इन अवर प्रीवियस वीडियो. जस्ट गो थ्रू माई दिस वीडियोज, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ द सप्लाई कर्व इज बींग फॉर्म्ड एंड वॉट आर द अजम्पशंस ऑफ द सप्लाई कर्व. नाउ टूडे आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व. वाई द सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड. हाँ, इसके रीजन्स क्या है जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड को स्लोप करते हैं. सो दीज आर द रीजन्स. फर्स्ट रीज़न इज द लेवल ऑफ द प्राइस डिटरमाइंस प्रॉफिट. प्राइसेस किस चीज़ को शो करती है सप्लाई में, वो प्रॉफिट को शो करती हैं. प्रॉफिट का मतलब क्या है, जितना अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ऑब्वियसली हम सप्लाई बढ़ाएंगे क्योंकि हम उस प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहेंगे. ठीक है, प्रोड्यूसर की मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो क्रिएट कर रहा है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट क्रिएट करना. तो प्राइसेस जो है हमेशा लॉ में क्या डिटरमाइन किया जाता है, प्रॉफिट को. ठीक है, प्राइसेस बढ़ेंगी मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा. प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप सप्लाई को बढ़ाओ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट सेल होंगे मार्केट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट अर्न होगा. सो फॉर दिस रीज़न इट इज़ ऑलवेज हैव ए स्लोप अपवर्ड. सो हायर द प्राइसेस हायर द प्रॉफिट, वाइस वर्सा. सो हायर द प्राइसेस द ग्रेटर इज इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई मोर इन द मार्केट, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. बट इसमें बाकी चीज़ें क्या हम देख के चलते हैं, जो आपकी बाकी अदर थिंग्स होती हैं वो हमेशा सेम रहनी चाहिए. मतलब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, ऑल अदर फैक्टर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड शुड बी रिमेन कॉन्स्टेंट. प्राइसेस बढ़ेगी, आप अपनी सप्लाई को बढ़ा दोगे और प्रॉफिट अर्न करना चाहोगे. ठीक है, तो सेकेंड रीजन आ जाता है इसका, पॉजिटिव स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज ऑल्सो कॉज्ड बाय राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण भी आपकी जो सप्लाई है वो आप पॉजिटिव शो करते हो। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे मतलब जिस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए उसके ऊपर जो इतनी कॉस्ट लग रही है वो बढ़ रहे हैं, उस वो फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो है फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर वो बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली आप अपनी सप्लाई को बढ़ाओगे बढ़ाओगे ताकि आप उस कॉस्ट को कवर करना शुरू कर दो। ठीक है, सो यूजुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन दिस सिचुएशन, ए प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस एंड सेल मोर यूनिट्स एट ए हायर प्राइसेस। थर्ड रीजन इज द राइज इन द प्राइस ऑल्सो मोटिवेट्स अदर प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस दिस कमोडिटी सो एज टू अर्न हायर प्रॉफिट। जो राइज इन प्राइसेस है वो अदर प्रोड्यूसर्स को भी मोटिवेट करते हैं, प्राइसेस बढ़ने से आपके अदर जो आपके अदर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं कि यार प्राइसेस बढ़ गई हैं क्यों ना मैं भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उतारूं, क्योंकि लोग तो उसको खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्ट भी जो है वो खरीदा जाएगा, मेरा प्रोडक्ट भी जो है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं वो भी प्रोड्यूसर क्या करेंगे सप्लाई को बढ़ाएंगे। सो हमने तीन जो है रीजंस पढ़े हैं। सबसे पहला रीजंस क्या है, जो आपके प्राइसेस है वो प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं। सेकंड रीजन हमने क्या पढ़ा है, कॉस्ट ऑफ के प्रोडक्शन बढ़ने से, ठीक है, तब आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई ऑटोमेटिकली आप बढ़ाओगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तभी बढ़ती है जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो, सप्लाई को बढ़ाते हो। थर्ड रीजन हमने पढ़ा है कि ये मोटिवेट करते हैं अदर प्रोड्यूसर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को प्रोड्यूस करें। अब हम पढ़ेंगे कि चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन और मूवमेंट अलोंग विद द सप्लाई कर्व। इसका क्या मतलब है, सप्लाई कर्व की मूवमेंट कैसी होती है, वो बढ़ेगा कि कम होगा, क्या रीजंस है। तो जो है दो कॉन्सेप्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट हम पढ़ेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है एक्सटेंशन। इन चीज़ों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मूवमेंट का मतलब अलग होता है, एक्सटेंशन का मतलब अलग होता है। मूवमेंट मतलब एक ही सप्लाई कर्व में जब हम सॉरी एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक ही सप्लाई कर्व पे आप ऊपर को जा रहे हो, ठीक है, और नीचे को आ रहे हो, पर आपका सप्लाई कर्व एक ही रहता है, ठीक है। मूवमेंट में क्या होता है कि आपका सप्लाई कर्व मूव कर जाता है, आपका एक सप्लाई कर्व ये था तो आपका सब दूसरा सप्लाई कर्व क्रिएट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। सो आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट क्या है और कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन क्या है सप्लाई कर्व की, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई कर्व। एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन इन द सप्लाई कर्व इज ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइसेस। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब आपकी एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन होती है सप्लाई कर्व में वो सिर्फ किस रीज़न की वजह से होती है, जब आपकी प्राइसेस बढ़ते हैं प्रोडक्ट की, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो रिमेन सेम रहते हैं। सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ मूव किया है तो वो एक्सटेंशन हो जाता है, सप्लाई कर्व जब आपका नीचे की तरफ मूव करता है तब वो आपका क्या हो जाता है, कंट्रैक्शन। दिस इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ द एट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड वी शुड निग्लेक्ट द अदर इफेक्ट्स ऑफ द अदर फैक्टर्स ऑफ द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई। सो दिस इज ए डायग्राम आई हैव टोल्ड यू एंड दिस इज अवर सप्लाई कर्व एंड दिस इज अवर प्राइस एंड दिस इज, अगर ऊपर को जा रहा है तो एक्सटेंशन है, नीचे को आ रहा है तो कंट्रैक्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट। इसको मैं आपको एक लाइव वीडियो के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मूवमेंट में क्या होता है, ये चीज याद रखनी है, जब मूवमेंट आ जाए तो मतलब आपका सिंगल सप्लाई कर्व होगा, ठीक है, एक ही सप्लाई को कब होगा उसके ऊपर ही मूवमेंट होगी। मूवमेंट आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सटेंशन और एक होता है आपका कंट्रैक्शन, और इनके रीजन क्या है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस इट्सेल्फ। किस रीज़न की वजह से है, सिर्फ उस प्रोडक्ट की प्राइसेस में चेंज आने की वजह से। सो मूवमेंट और दो तरीके की होती है, एक एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन। एक्सटेंशन मतलब
इंक्रीज कर रहा है, कंट्रैक्शन मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइसेस आपकी इस लेवल पे ही होती हैं और यहाँ पे आप क्वांटिटी लेके चलोगे। आप ये वाला प्राइस लेवल ले अपने लिया है, यहाँ पे आपकी इतनी सप्लाई थी, ठीक है, ये तो आपका यहाँ पे आपका सप्लाई कब बन गया। अचानक से आपके प्रोडक्ट की जो है प्राइसेस बढ़ गई, पी वन पे आ गई, प्राइसेस बढ़ी, आपने सप्लाई, ऑब्वियसली प्राइसेस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, ये तो लॉ हमारा कहता ही है, ठीक है। तो एस वन आपकी सप्लाई हुई, तो ये क्या चीज़ को कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपका सप्लाई कब पहले इस पॉइंट पे था ए पॉइंट पे, अब आपका सप्लाई कब जो है वो बी पॉइंट की तरफ चला गया, तो ये चीज़ क्या शो कर रहा है, एक्सटेंशन, ठीक है। अचानक से आपकी प्राइसेस जो है वो कम हो गई, पी टू पे चलेगी, प्राइसेस कम हुई, सप्लाई आपने कम कर दी, तो एक ही आपका ये सी पॉइंट आ गया। आपका सप्लाई कब, अब यहाँ गया था नीचे की तरफ, अब मूव कर गया, तो ये क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका, कंट्रैक्शन, ठीक है। मतलब क्या है कहने का, एक ही सप्लाई कब आपका रहा है, उसी के ऊपर आपकी मूवमेंट हुई अपर की तरफ और मूवमेंट हुई है नीचे की तरफ ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, प्राइसेस के बाकी फैक्टर को इसमें कंसीडर ही नहीं किया गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व, एंड इट हैज ओनली टू मूवमेंट, एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन, इट हैज ओनली वन सिंगल सप्लाई कर्व, एंड इट इज ऑल बिकॉज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट इट्सेल्फ। Now come to our next point, that is the change in the supply curve, increase or decrease in supply curve, जिसको हम क्या कहते हैं, shift in supply curve। अब हम क्या पढ़ेंगे, shift in, हमने क्या पढ़ा है, movement। Next हमारा topic आ जाता है shift, movement क्या है, दो तरीके की है, extension और contraction। Shift in supply curve में क्या होता है, increase और डिक्रीज, इसमें क्या होता है आपका सेम सप्लाई कर्व नहीं रहता है, आप एक सप्लाई से कर्व से दूसरे सप्लाई कर्व की तरफ आप वो मूव कर जाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। सो इंक्रीज इन सप्लाई कर्व अकर व्हेन मोर इज सप्लाइड एट एग्जिस्टिंग प्राइस। इंक्रीज इन सप्लाई कर्व अकर क्यों होता है, जब एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई दे देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं हम सप्लाई पे, इसमें हम बाकी फैक्टर्स को लेके चलते हैं, इसमें हम जो है प्राइसेस को लेके नहीं चलते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज टू ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स ऑफ द अदर डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स ऑफ द सप्लाई, ठीक है। तो ये सिर्फ प्राइसेस की वजह से नहीं होता है, ये सारी चीज़ें शिफ्ट क्यों होती है, जब आपके अदर फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं आपकी सप्लाई पे, आपकी प्राइसेस जो है वो सेम रहते हैं बट अदर फैक्टर्स में चेंज आ जाता है, तो उसमें क्या होता है आपका सप्लाई कब जो है वो शिफ्ट कर जाता है, यहाँ से यहाँ को शिफ्ट कर गया और यहाँ से इधर को शिफ्ट कर गया, उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। दिस इज, We can also explain this with the help of the live video also. अब हम करेंगे shift in supply curve. Shifting जो है वो क्यों होती है? No change in price plus change in other factors अफेक्ट सप्लाई, जो आपकी सप्लाई को जो अदर फैक्टर्स है, जैसे कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड ऑल अदर फैक्टर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस वीडियो। तो उन चीज़ों को जब वो हमारे सप्लाई के ऊपर इफेक्ट डालती हैं तब हमारा जो सप्लाई का क्या होता है वो शिफ्ट करता है, ठीक है। तो इसमें शिफ्टिंग दो तरीके की होती है, एक होती है इंक्रीज, एक होती है डिक्रीज, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ के आपके प्राइसेस, यहाँ आपकी क्वांटिटी,
प्राइस आपकी ये रही, आपने ये सप्लाई रखी और ये आपका सप्लाई कब था। शिफ्ट में क्या होता है, प्राइसेस में नो चेंज, प्राइसेस में चेंज नहीं आया, बट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आपने जो है सप्लाई कम कर दी है, तो आपका नया सप्लाई कर्व फॉर्म्ड हो गया। तो ये आपका सप्लाई कर्व इस पोजीशन को मूव कर गया, तो यहाँ से आपकी ये क्वांटिटी रखी आपने Q1, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। अब क्या किया, सेम प्राइस लेवल पे आपने जो है क्वांटिटी बढ़ा दी, Q2 कर दी, तो आपका जो है नया सप्लाई का फॉर्म्ड हो गया। तो इससे क्या हुआ, इस जहाँ से यहाँ की मूवमेंट को, शिफ्टिंग को क्या कहेंगे हम, इंक्रीज इन सप्लाई। सो शिफ्टिंग में क्या है, चेंज इन द प्राइस नो, ओनली चेंज इन द अदर फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द सप्लाई, एंड शिफ्टिंग हैव टू ऑल्सो एस्पेक्ट, इंक्रीज और डिक्रीज। आपका सप्लाई कर्व चेंज हो जाएगा, ऊपर को शिफ्ट करेगा और नीचे को शिफ्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग, ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि शिफ्टिंग इज शिफ्ट, इज देयर शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व ड्यू टू द चेंज इन द प्राइसेस, यस और नो, यू हैव टू से नो। So this is all about our today topic, and I hope you will all understand what are the increase or decrease and what are the shift of the supply curve and what are the movement of the supply curve and what are the reason behind the upward sloping of the supply curve. These are very two important topic for the examination purposes. Most of the MCQs question has been asked from this topic, and in our next video we are going to discuss the elasticity of the supply. प्लीज़ आई एम ऑल्सो आस्किंग, मैं फिर से दोबारा से कह रही हूँ आप लोगों को, जस्ट गो थ्रू टू माई प्रीवियस वीडियो, मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को आप चेकआउट करो डिमांड की, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे सप्लाई को, ठीक है। आपको सप्लाई इजीली समझ आ जाएगा, और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज, नेट प्रिपरेशन के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स में जो सब्जेक्ट्स में जो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।